यही है कि इसके जो अंडे हैं वो खराब हो चुके हैं, और वो मैंने आपको दिखाई थी लास्ट वीडियो में कि हमने इसके अंदर जो नए अंडे थे वो सेव किए हुए थे, तो अब बारी है इन अंडों को हम रिप्लेस करें सही तरीके से हो सकती है। समय नहीं आ रहा होगा, डेडलाइन थोड़ा सा सही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं अपने सेटअप की तरफ और दिखाते हैं कि आज की अपडेट क्या है। पहले तो ये मुर्गी है, यही वाली, इसको तकरीबन 3-8 तीसरा या चौथा देना अंडों बैठे, तो उसको अंडों से उठाते हैं और उसके अंडों की कैटलिंग करते हैं। चलो बेटा मारो। अंडों से इनको उठाते हैं मुर्गी को और देखते हैं, देखते इसको हम बाहर छोड़ेंगे। अब इसके अंडों की कैडलिंग करेंगे, इसके अंडों में कुछ है भी या नहीं। इस वाले कमरे में रोशनी ज़्यादा है, तो इस वजह से कैडलिंग सही तरीके से हो नहीं पा रही और हमें भी समझ में नहीं आ रहा, तो दूसरे कमरे में चलते हैं और कैडलिंग करते हैं। इस कमरे में अंधेरा है, इस वजह से कैंडलिंग जो है सही तरीके से हो सकती है। सही समय नहीं आ रहा होगा, डेडलाइन थोड़ा है, खराब है। तो ये गंदे भी बहुत कर दिए हैं मुर्गी से, मुर्गी, हाँ मुर्गी ने गंदे भी कर दिया हुआ, ये भी डेड खराब एंड है, ये भी डेड एंड शेल है। ये भी खराब है, ये भी खराब है, पांचों खराब है भाई, छठा ये भी खराब है, खराब, सातवां खराब, और आठ, ये आठ में भी खराब है। सारे ही अंडे खराब हैं, क्या कर सकते हैं। चलें चलते हैं दूसरे कमरे की जाने। यही है कि इसके जो अंडे हैं वो खराब हो चुके हैं, और वो मैंने आपको दिखाई थी लास्ट वीडियो में कि हमने इसके अंदर जो नए अंडे थे वो सेव किए हुए थे, तो अब बारी है इन अंडों को हम रिप्लेस करें उन अंडों से, क्योंकि वो टोटली सारे अंडे 8-7 अंडे में करते, 7 या 8 अंडे, 7 के 7 7 के 7 ही खराब हो चुके हैं। तो अब यही सोचा है कि क्या कहते हैं उनको रिप्लेस करें और उनकी जगह ये अंडे रखें, क्योंकि उनका फ़ायदा नहीं है, मुर्गी बैठेगी तो ज़ाया ही होंगे वो अंडे भी, तो और टाइम भी ज़्यादा ज़ाया होगा, क्योंकि मुर्गी को तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं बैठे हुए अंडों पर। पहले पहले जो है अंडे अंडे की सफाई होगी, अंडे को साफ किया जाएगा, फिर उसके ऊपर नंबरिंग होगी, क्रॉस मार्क होगा, 1 2 3 करके नंबरिंग होगी अंडों पर। तो करते हैं अंडों पे क्रॉस मारते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो इस बॉल में हमने पानी ले लिया, पानी से योगी सफाई, अंडे देख सकते हैं कितने गंदे हो रहे हैं, देखें गंदगी है मुर्गी की। हर अंडा इसी तरीके से साफ होगा, और जो है सफाई के बाद इसके ऊपर जब अंडा सूख जाएगा तो हम इसके ऊपर जो है नंबरिंग करेंगे, क्रॉस करके 1 2 3 करके नंबरिंग करेंगे। ये हो गया साफ, इसी तरीके से आप दूसरा अंडा लेंगे, देख सकते हैं दूसरा अंडा, ये भी गंदा ही है, इसको भी साफ, इसको भी साफ करेंगे हम पानी से। ये आ गया है दूसरा, ये आ गया तीसरा अंडा, तो ये है कि इसको भी साफ करते हैं, और जो है देख सकते हैं अगर आप कैमरा करीब करें देख सकते हैं बहुत गंदे हो रहे हैं अंडे। इस पे जो है हम अब सफाई के बाद सारे अंडों पे नंबरिंग करेंगे, ये अंडे तो ज़्यादा हैं, फिर मैं आपको अंडे साफ करके फिर मिलते हैं और नंबरिंग के वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि नंबरिंग कैसे हो रही है। तो ये है कि अंडों की जो सफाई है, ये देख सकते हैं अंडों को साफ कर लिया अच्छे तरीके से, अंडों की सफाई हो चुकी है, और ये देख सकते हैं हम W लिखा हुआ है भाई ने W, और ये मैं एक और अंडा दिखाऊँ, ये देखें B लिखा हुआ है, W जो है वाइट वाली का, वो देख सकते हैं उस पिंजरे में बैठी हुई है वाइट वाली मुर्गी, इस वाइट वाली का है W, और ये जो ब्लैक B लिखा हुआ है ब्लैक वाली मुर्गी है हमारी, ये भी देख सकते हैं ये मुर्गी है हमारी। तो ये है कि अब इस पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 करके,
ये वन हो गया, ये टू हो गया, रोल भी मार देते हैं। बाकी थ्री फोर जो है नंबरिंग हुई भी हमारे पास, ये व्हाइट वाली का है, क्रॉस मारेंगे इस पर। फोर ये है, ये भी व्हाइट वाली का है, इस पर भी क्रॉस मारेंगे। बाकी ये भी व्हाइट वाली का ही देख सकते हैं, ये भी व्हाइट वाली मुर्गी का है। ये हो गया फाइव, इस पर भी क्रॉस मारेंगे। और जो है ये भी देख सकते हैं, ये भी व्हाइट वाली मुर्गी का अंडा डब्लू बना हुआ है। ये सिक्स हो गया ये अंडा, ये सेवन हो गया। ये जो है ये ब्लैक वाली का भी लिखा हुआ है, ये सेवन हो गया। ये सेवन हो गया और ये आखिरी अंडा ये एट हो गया। तो फिर यही है कि इन अंडों को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि अब हम भी कुछ नहीं कर सकते कि अंडे ख़राब हो चुके हैं। तो यही है कि रिप्लेस करते हैं, वो टाइम भी ज़ाया हुआ होगा, एक तो टाइम का भी ज़िया होगा। तो इससे बेहतर यही है कि 4 दिन बाद ही अंडे रिप्लेस कर दिए जाएँ, क्योंकि उन अंडों में कुछ भी नहीं है, हमने अभी चेक किया है। इससे मुर्गी का भी टाइम ज़ाया होगा और हमारा भी। तो बेहतर इसी में कि अंडे चेंज कर दिए जाएँ। बाकी अंडे निकालते हैं, मुर्गी को उठाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। मुर्गी को निकाल लें, मुर्गी को बाहर छोड़ दिया। ये देखें वापसी आ गई मुर्गी, ये निकाल लिए अंडे 4, 5, 6, 7, 8 अंडे हुए। और अब ये वाले अंडे जो है उसकी रिप्लेस करेंगे। अंडों की भी हालत देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ही गंदे हो चुके हैं वाले अंडे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आ चुके हैं 8 अंडे। और बाकी ये जो अंडे हैं इसको अब हम लोग खोल के देखेंगे या फेंक देंगे, देखते हैं। क्योंकि अंडों में जो है गैस भर गई होती है, तो फ़ायदा नहीं है खोलने का इनको। बदबू भी अलग मारेंगे, लेकिन देखते हैं। स्मेल इनकी बहुत गंदी होती है, क्योंकि ये मुर्गी बैठ चुकी है, इसको गरमाइश वगैरह मिल चुकी है। तो इस वजह से इनके अंदर जो है वो गैस, मुख्तलिफ किस्म की गैसेज भर चुकी होती है। तो यही करते हैं कि अंडों को फेंकते हैं, हमारे तो किसी काम के नहीं है अंडे। अब मुर्गी को छोड़ते हैं पिंजरे के अंदर और बिठाते हैं मुर्गी। तो मुर्गी खुद ही आ रही है अपने पिंजरे की तरफ। मुर्गी को अंदर डालते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। तो मुर्गी को तो है अंदर डाल दिया है, देख सकते हैं आप लोग। अब बैठ जाएगी 5 से 10 मिनट में अंडे को देखकर, यही देख रही है कि नए अंडे कहाँ से आ गए। लेकिन खैर है, अब इन अंडों पे हम लोग ने नोट कर लिया आज कल कि ठीक 21 दिन बाद इन अंडों में से इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे। अगर नहीं निकले तो हम 3 से 4 या 5 दिन बाद या हफ्ते बाद हम इन अंडों की हैंडलिंग करेंगे और देखेंगे इन अंडों में कुछ है भी या नहीं। ये देखें बैठ रही है मुर्गी अंडों को, इसने एक्सेप्ट कर लिए हैं कि इन अंडों को भी एक्सेप्ट कर लिए इसने। और ये देख सकते हैं बैठ गई, सारे अंडे अपने अंदर कर रही है। ये देखें, चले ये मिशन तो सक्सेसफुल हो चुका है। ये है कि मुर्गी की हैंडलिंग वगैरह तो कर ली है। जिसका डर था, मुझे यही डर लग रहा था कि अंडे खराब ना हो, जिसका डर था वही हुआ। और जो है हमारे जो बजीज के केज में जो पट्ठे हैं वो बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। इनके पेरेंट्स जो हैं बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं बड़े हो चुके हैं पूरी तरीके से। ये सेल्फ हो चुके हैं, इनकी फ्लाई वगैरह भी अच्छी हो चुकी है।
तो इनको नेक्स्ट स्टेज में शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इनकी शिफ्टिंग। बाकी इनके पेरेंट्स वगैरह भी काफी मार रहे हैं। और एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है आपके साथ मैं शेयर करता चलूं, हमारी एक बहुत पुरानी मादी है जो के तकरीबन 1 से 1.5 से 2 साल हो गए उस मादी को भी। तो वो जो है आज हम लोग सुबह अपने सेटअप पे आए तो मर चुकी है, वो मर गई। अब इसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं है, उसको एग बाइंड हो गया था, एग जो है उसके अंदर फंस गए थे, क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता। वो मादी मैं आपको दिखाता हूँ, फीमेल को एग बाइंड हो गया था, तो ये मैंने अभी देखा ऊपर आया मैं जब, तो सबसे पहले ये फीमेल अपनी आखिरी सांसें ले रही है, मैंने इसका अंडा तो निकाल दिया, बहुत मुश्किल है इसका बचना, मगर मेरी कोशिश होगी इसको मैं कुछ फर्स्ट एड कर पाऊँ, इसको बचा पाऊँ, कोशिश तो मैंने की इसका। मैंने देख सकते हैं एग निकाल दिया, मगर देखते हैं ये बच पाती है नहीं बच पाती है। आँखें तो इसने खोली हैं मगर इसकी कंडीशन अभी बहुत बुरी है, जो भी अपडेट होगी मैं आपसे शेयर करूँगा इसके साथ क्या हुआ। देख सकते हैं आप अभी भी इसकी कंडीशन कुछ बेहतर नहीं हुई है, मैं इसको अपनी उंगली से पानी पिला रहा हूँ ये पानी पी ले, मगर मुश्किल लग रहा है कि ये बचेगी, बिल्कुल ही ढीली पड़ी हुई है, हिल भी नहीं रही और ज़रा सी भी इसमें मूवमेंट नहीं है। इसने पर भी फैलाए हुए हैं, अपनी आखिरी सांसें ले रही है, बस कोशिश है मेरी इसको मैं बचा सकूं। देख सकते हैं बहुत तेज तेज सांसें ले रही है और मेरी कोशिश है कि ये बच जाए, जो भी अपडेट होगी मैं आपकी इसकी आपसे शेयर करूंगा कि इसके साथ क्या हुआ। बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको रेस्क्यू कर पाऊँ। दिखाता चलूँ मैं आपको अपना सेटअप, अपने पट्ठों का सेटअप दिखाता चलूँ क्या सूरत हाल है अपने पट्ठों की। ये देख सकते हैं माशाल्लाह पट्ठे तो सेट हैं, ये देखें मादी ने अंडे दिए हैं, अगर आप लोग को नज़र आ रहा हो, जाली की वजह से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो देखें वो अंडे दिए हैं इस वाली मादी ने भी, और एक ये मादी बैठी हुई है, एक ये मादी बैठी हुई है अंडों पर, इसके अंडे नज़र नहीं आ रहे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पट्ठे वगैरह तो बिल्कुल सेट हैं और जोड़े वगैरह भी तकरीबन सारे ही सेट हैं। कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, दिखाऊंगा आप लोग को प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह। बाकी ये है कि मादी की वीडियो आपके साथ एंड में शेयर करता चलूं, और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और हाँ जो लोग नए हैं चैनल पर वो वीडियो तो देख रहे लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी करें, और क्योंकि आगे ब्लॉग में बहुत सारी वीडियोज़ हैं और बहुत कुछ दिखाने को है हमारे पास, इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। तो यही है कि चलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, भाई को सब्सक्राइब लाजमी कर देगा। अल्लाह हाफिज़।